नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली हिसार ब्रेकिंग न्यूज 2.0। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब चलते हैं खबर की तरफ। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए हरियाणा से आस्था ट्रेन आज सुबह हिसार रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में हजारों श्रद्धालु अयोध्या के लिए ट्रेन में सवार हुए। अयोध्या में ट्रेन में सवार कई श्रद्धालुओं ने बताया यह उनका सौभाग्य है, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया पहली बार अयोध्या जा रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, वह जीवन की बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भगवान भक्त को ऐसा मौका दिया है कि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ट्रेन में सवार श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। पूरी ट्रेन जय श्री राम के नारे से गूंज उठी। हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और मेरा नाम रामेश शर्मा है और मैं हिसार जंक्शन पे एज ए स्टेशन मास्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि इस खास दिन पर हिसार से एक स्पेशल ट्रेन का अयोध्या के लिए रवाना किया जा रहा है। और इसमें जो भगतजन है हिसार से आज इस स्पेशल ट्रेन में 0:47 में 11:05 पर चलेगी और अयोध्या में ये कल सुबह 5:05 पर पहुँचेगी। और दर्शन के बाद यात्रीगण इसमें 10 तारीख को शाम को बैठेंगे और 11 तारीख की सुबह में हिसार में यहाँ पर आ जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि इस ट्रेन की स्पेशल तैयारी के लिए पूरा स्टेशन स्टाफ, चाहे उसमें एज ए जो कैरिंग एंड वैगन स्टाफ है, इलेक्ट्रिक स्टाफ है, मेंटेनेंस है, चाहे मैं आप देख पा रहे हैं सुरक्षा के लिए हमारे RPF का सारा स्टाफ है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहा है और इसको अभी तक सफल बनाया है। और कुछ ही पल में ये ट्रेन यहाँ से सफलतापूर्वक जाएगी। खास बात इस ट्रेन की है कि इस ट्रेन के अंदर जितने भगत जन जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल सुविधाएं दी गई है, AC वाली फैसिलिटी दी गई है, हालांकि स्लीपर में जिसमें व्हाइट बेडशीट और गद्दे तक लगा दिए जा रहे हैं, उनके पानी का, नाश्ते का, लंच का, डिनर का पूरा प्रबंध किया जा रहा है, इवन मेडिकल एड भी इसमें दी जाएगी। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि जितने यात्री यहाँ से जाएँ अच्छी तरह से अच्छी फीलिंग लेके जाएं और जब रिटर्न आए एक अच्छा मैसेज ले जाएं और उनकी आस्था जो प्रकट करें। थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने के लिए। इसमें टोटल 22 कोच है। करीब कितने श्रद्धालु जा रहे हैं इसमें? देखो अप्रोक्स डाटा तो IRCTC के पास है बट सारे कोच बुक होके जा रहे हैं। जब डाटा IRCTC वाले दे देंगे, GM यहाँ पर आए हुए AGM वो देंगे। एक अच्छी पहल।